Greetings students, today we are going to start our new unit, chapter 12, that is friction. Okay, we are going to discuss this chapter. Now let's start it. Topics to be covered, first of all, friction, causes of friction, factors affecting friction, and types of friction. There are three types of friction, that is static friction, sliding friction, rolling friction. This is all about friction. Then advantages of the friction, disadvantages, ways to increase friction, ways to reduce friction, and fluid friction. That's all. Okay, now let's start with our first topic, friction. What is friction? आपने force and प्रेशर वाले चैप्टर में भी फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था. वही जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं बेटा. द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. तो जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आती हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल में देखिए क्या हो रहा है. एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, उसको उस तरफ मूव कर रहा है, वो इधर पुश कर रहा है उसको. तो जो स्टैटिक हमने फ्रिक्शन कहा वो अपोज करता है मोशन को, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा जिस तरफ मोशन होगी उसके. तो ये वाली जो एरो है ये आपकी फ्रिक्शन शो कर रही है, ठीक है. कब कर रही है? लेकिन ये जब ये दोनों बॉक्सेस कॉन्टैक्ट में हैं. ओके, ऐसे ही यहाँ पे ये क्या कर रहा है? स्लाइडिंग कर रहा है. लेकिन कब कर रहा है? जब वो उसके कॉन्टैक्ट में है सरफेस के, है ना. तो आपको ये डेफिनेशन प्रॉपरली लर्न भी करनी पड़ेगी. ओके, नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन दो सरफेसेस जब कॉन्टैक्ट में आती है तो मोशन के अपोज जो करता है वो फ्रिक्शन होता है. पर क्यों करता है, ज़रूरत क्या है फ्रिक्शन की? नो सरफेस कैन बी कंसीडर, देखो मैं आपको बताती हूँ सिंपली, कोई भी सरफेस ना आपको कितनी स्मूद दिखे वो स्मूद नहीं होती. उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है, रफनेस होती है, ठीक है. तो जब उसके ऊपर दूसरी सरफेस को आप स्लाइड करोगे, जैसे देखो इसके ऊपर हमने इस दूसरी सरफेस को स्लाइड किया, तो ये जो गैप्स हैं ये आपस में अटक गए. ये कम रफ थी ना, इसके ये रफनेस कम थी, इसकी बिल्कुल पॉइंटेड रफनेस है, तो ये बिल्कुल अंदर घुस गई. तो अब इनकी इंटरलॉकिंग को तोड़ना बहुत ईजी, इसकी इंटरलॉकिंग को तोड़ना बहुत इजी होगा, जबकि इसकी इंटरलॉकिंग को तोड़ना टफ होगा, है ना. तो जब ये आपस में रफनेस की वजह से एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं तो उसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है. दैट इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन. आप इसको रीड करिए. नो सरफेस कैन बी कंसीडर्ड परफेक्टली स्मूथ. द डिग्री ऑफ रफनेस वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस. हर सरफेस की जो रफनेस है वो अलग अलग होती है. दीज इरेगुलरिटीज गेट इंटरलॉक्ड व्हेन एन वन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मूव ओवर अदर. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश करता है तो वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं, ना, विच अपोजेज द मोशन. अब आप इन दोनों सरफेस में से किसी भी सरफेस को ऐसे मूव करोगे तो वो इंटरलॉक की वजह से नहीं करेगा, है ना. तो आपका फोर्स ज्यादा लगेगा और उसी को हम फ्रिक्शन कह देते हैं, ठीक है. चलो नेक्स्ट स्लाइड. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, किन किन फैक्टर्स की वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है. ओके, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन रफनेस. अभी तो हमने पढ़ा जितनी ज़्यादा रफनेस होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा. तो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस और स्मूदनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट. स्मूथ सरफेस ऑफर लेस फ्रिक्शन, स्मूथ होंगी. जैसे हमने लास्ट स्लाइड में किया ना बेटा, ये इतनी रफ नहीं थी तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, लेकिन ये ज़्यादा रफ थी तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा. तो सेम वही कह रहा है वो कि कितनी वो स्मूथ है और कितनी रफ है इस पे डिपेंड करेगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जो आपकी जो सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही है उसका नेचर कैसा है इस बात पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है. मीन्स वो कैसी है, मतलब वही नेचर मीन्स सरफेस स्मूथ है या रफ है. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी. अब जितना ज़्यादा वेट होगा वो उतना ही इंटरलॉकिंग ज़्यादा करेगा, है ना.
जैसे कोई भारी बॉक्स होता है तो वो जमीन से उठाना ज्यादा टफ होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इंटरलॉक हो जाता है ना, क्योंकि उसका वेट भी तो उस पे काम कर रहा है ना, वो वेट भी तो उसको दबा रहा है ना, इसलिए तो वेट पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बेटा यही होता है कि एक इंक्रीज करेगी तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, मतलब वेट इंक्रीज करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज करेगा, वेट डिक्रीज करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी डिक्रीज करेगा। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, वो हमने फर्स्ट स्लाइड में भी पढ़े थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, एज द नेम्स सजेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, स्टैटिक मतलब एक जगह पे जो फिक्स है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में स्लाइड कर रही है, स्लाइड करना मतलब आपको एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं, स्लांटिंग सरफेस है आपके पास ही, उस पे स्लाइड करेगा वो, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब रोल करना, जैसे पहिए रोल करते हैं, व्हील्स रोल करते हैं, तो दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन, उनकी साथ जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। देखो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जब ये रेस्ट से एकदम मूव करेगा, तो ये एफ ए है, ये आपका फोर्स ऑफ मूवमेंट है, और एफ एफ है ब्लू वाला, ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो जब अब ये दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप इसको मूव करोगे तो रेस्ट से जब वो मोशन में जाएगा तो जो फोर्स आएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। जैसे ये यहाँ पे इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉक्स पहले फिक्स था, रेस्ट पोजीशन पे था, और उसको बाद में मूव कर रहे हैं, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, जब वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब वो कह रहा है इट इज मोर इन मैग्नीट्यूड देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ये ज़्यादा होता है मैग्नीट्यूड में। क्यों? क्योंकि बेटा वो रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसने बहुत अच्छे से इंटरलॉकिंग कर ली है अपनी, ठीक है, तो उसको मूव करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी क्वांटिटी, जैसे हम कहें फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, जैसे हम कहें 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो ये उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, नेक्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आप ये देख रहे हो ना, ये झूल रहा है, क्या कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है ना, स्लाइड पे से स्लाइड कर रहा है। यहाँ पे ये M एक बॉक्स है, ये भी क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। यहाँ पे स्कीइंग कर रहा है वो भी स्लाइड कर रहा है। तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब देखो वो लड़का यहाँ बैठा हुआ है, ये बॉय, और इसने स्लाइड करना स्टार्ट किया, तो वो मूवमेंट में है ना, और मूवमेंट में वो इंटरलॉकिंग कम कर पाएगा, है ना, और इंटरलॉकिंग कम होगी तो इसलिए वो फ्रिक्शन कम होगा। ओके, इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट व्हेन वन ऑफ देम जस्ट स्लाइड ओवर द अदर, जब एक दूसरी के ऊपर से स्लाइड कर रही हो, ठीक है, इट इज लेसर इन मैग्नीट्यूड देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से इसका वैल्यू कम होती है, बट मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, बट रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट रोलिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग इन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट वन ऑफ देम इज रोलिंग। रोल करना है तो आप देखो, रोल करते टाइम आप देखो सरफेस है ही कितनी कॉन्टेक्ट में, थोड़ी सी है ना इस बॉल की, ठीक है, तो जब जितनी कम सरफेस होगी उतना कम इंटरलॉक होगा, होगा ही नहीं उसका इंटरलॉक, और दूसरा ऊपर से वो मूवमेंट में है तो और भी कम होगा, है ना, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड वन ऑफ देम इज रोलिंग ओवर, जब वो एक दूसरे के ऊपर रोल कर रही है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, स्टैटिक से भी कम होता है और स्लाइडिंग से भी कम होता है। As during rolling, irregularities have no time to interlock, क्योंकि उनको
रोल करनी है, वो उनकी एक बार एक सरफेस कांटेक्ट में आ रही है, फिर उसने रोल किया, दूसरी सरफेस आएगी, फिर उसने देखो अब ये बॉल अगर रोल करेगी, अभी इसकी ये सरफेस कांटेक्ट में, ये ऐसे रोल करके मूव करेगी, फिर ये वाली आएगी, फिर ये वाली आएगी, फिर ये वाली आएगी, तो इसका मतलब क्या है, उसकी अलग अलग सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही है तो इरेगुलरिटीज़ होंगी, तो वो उसकी वजह से इरेगुलरिटीज़ जो आपकी हैं वो इंटरलॉक कर ही नहीं पाएंगी। ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर अनेबल्स अस टू राइट, आप पेपर पे पेन से लिखते हो, को फ्रिक्शन ही तो होता है वो जिसकी वजह से आप लिख पाते हो, इरेगुलरिटीज में ही तो आपके पेन की जो टिप है वो फंस के उसको लिखने देती है ना, नहीं तो स्लिप ही ना हो जाए वो। कभी ऑयल लगा के पेपर पे और फिर उसको लिखने की ट्राई करना, आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि जो ऑयल होता है वो फ्रिक्शन को कम कर देता है, लेस अमाउंट में हो जाता है। इसलिए अ नेल कैन बी हैमर्ड इनटू अ ब्लॉक ऑफ वुड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन नेल एंड वुड, जो नेल है, जो मतलब कील है, आप एक वुड ब्लॉक में कब क्यों लगा पाते हो, ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन नेल एंड वुड, नेल और वुड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसकी वजह से। वी आर एबल टू कट थिंग्स ड्यू टू फ्रिक्शन, आप नाइफ से कुछ भी कट करते हो चाकू से, तो वो क्यों काट पाते हो, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, आप मतलब इमेजिन करो, अगर आपकी बाइक्स में साइकिल्स में ब्रेक ही ना होंगे तो आप उनको चला पाओगे, लेकिन ये जो ब्रेक्स हैं ये व्हीकल्स के, ये किस वजह से काम करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, अब ये तो हुई एडवांटेजेस की क्यों ज़रूरी है, लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं हमें, वो क्या क्या होते हैं। फ्रिक्शन मेक्स मूविंग और स्लाइडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है वो मोमेंट को अपोज करता है तो उसको डिफ़िकल्टी बनाएगा, है ना, अगर उसको फेवर करता तो और फास्ट चलता है ना, लेकिन अपोज करता है तो उनको डिफ़िकल्ट कर देता है। फ्रिक्शन रिजल्ट इन वियर और टीयर, अब देखो आप स्लीपर्स पहनते हो, उनकी ना नीचे की जो आपके स्लीपर्स की जो सोल होती है ना वो टियर हो जाती है, फट जाती है ना, वो किस वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, क्योंकि हर टाइम जब भी आप चलते हो तो वो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर काम करता रहता है और धीरे धीरे वो उसको टियर कर देता है। फ्रिक्शनल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट विच रिजल्ट इन वेस्टेज, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोनों हैंड्स को रब करके देखो आपस में, तो वहाँ पे आपको फील होगा, उसको अपने फेस पे लगाओगे तो कि बहुत हीट प्रोड्यूस हो गई है, बहुत गर्म लगेंगे आपको हाथ, क्योंकि वो एनर्जी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो जब आप हीट प्रोड्यूस होगी तो वो वेस्ट ही हो रही है, किसी काम तो आ नहीं रही, तो इसलिए वो वेस्टेज भी करता है हीट की। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टच अ मोबाइल इट हैज़ बीन यूजिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट फील्स वार्म, सेम आप ट्राई करके देखना इसको अपने हैंड्स की तरह ही, मोबाइल को आप काफ़ी टाइम यूज़ करते हो तो वो भी गर्म हो जाता है क्योंकि वो भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, अब हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज भी करना पड़ता है और डिक्रीज भी करना पड़ता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम किस तरीके से फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ये उसके तरीके हैं। द ब्रेक शूज इन ऑटोमोबाइल्स आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, When the brakes are applied, the brake shoe arrests the motion of the rotating drum due to friction. This stops the wheel. हाँ, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो जो ब्रेक्स हैं वो चाहिएंगे ना, तो जो ब्रेक्स के ऊपर कवरिंग होती है ना वो आपके फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। The soles of our shoes are grooved. Grooved मतलब उसमें नीचे आपके शूज पे आपकी स्लीपर्स पे डिजाइंस बने होते हैं, वो क्यों बने होते हैं, इरेगुलर बनाने के लिए उसको। ठीक है, इरेगुलरिटीज क्या करेंगी, इंटरलॉक हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। नहीं तो आप याद करो कि जब आपकी चप्पल नीचे से रफ हो जाती है, प्लेन हो जाती है, तो आप बहुत जल्दी फिसल के गिर जाते हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं होती। ठीक है, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, इरेगुलरिटीज उसकी ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट, द टायर्स ऑफ कार्स बसेस एंड ट्रक्स आर ट्रीटेड
ट्रेड्स हेल्प इन इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द, जैसे आपकी बसेस और कार के टायर्स पे भी डिजाइनिंग बनी होती है ना, तो वो किस लिए होती है? वो भी वो इंटरलॉकिंग करने के लिए ही होती है, ठीक है। जैसे ही वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं तो उससे पहले ही आप अपनी गाड़ी के टायर्स चेंज करा लेते हैं, या आप कहते हो कि टायर्स खराब हो गए इसलिए गाड़ी स्लिप कर रही है ना, क्योंकि वो इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये सब क्या है, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन को? बाय ग्रूविंग, ठीक है, बाय अप्लाइंग शू, ब्रेक शूज, ठीक है। इनसे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा फ्रिक्शन। नाउ वेज टू डिक्रीज फ्रिक्शन, हम कम कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऑयल क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है फ्रिक्शन को, स्मूथ बना देता है ना, क्योंकि आप ऑयल को टच करते हो तो आपके हैंड्स भी तो मतलब स्मूथ फील करते हैं ना, ऐसे ही वो जहाँ पे भी आप ऑयल को यूज़ करोगे तो उसको स्मूथ बना देगा। ऑल दो फ्रिक्शन प्लेज अ यूजफुल रोल इन आर लाइफ बट समटाइम्स इट नीड्स टू मिनिमाइज, हाँ ठीक है कि हमारे लाइफ में फ्रिक्शन का बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन कभी कभी हमें उसको कम करने की ज़रूरत होती है। देर आर वेरियस वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यहाँ पे अलग अलग वेज बताए हुए हैं आपको रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को। वाइल प्लेइंग कैरम प्लेयर्स स्प्रिंकलर पाउडर ऑन द बोर्ड, वाई, क्योंकि पाउडर स्मूथ बना देगा उस सरफेस को और फिर आपका जो स्ट्राइकर है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको क्या बताना चाह रहा है कि हम पाउडर से भी सरफेस को स्मूथ बना सकते हैं, फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन्स आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ ग्रीस और ऑयल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ग्रीस और ऑयल से भी हम उसको स्मूथ बना सकते हैं। वो क्या करेगा, उसकी जो इरेगुलरिटीज़ है उनको कवर कर देगा और फिर इंटरलॉकिंग नहीं होगी, उससे वो स्मूथ बन जाएंगे। अब ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जो भी सब्सटेंस यूज़ करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ना, वो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब पाउडर, ग्रीस, ऑयल, ऑल दीज आर ल्यूब्रिकेंट्स। लिक्विड फ्रिक्शन, लिक्विड फ्लूइड फ्रिक्शन और वी कैन से लिक्विड फ्रिक्शन, लिक्विड एंड गैसेस आर कॉमनली नोन एज फ्लूइड। लिक्विड फ्लूइड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस, दे ऑल्सो एग्जर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम, मतलब वो भी पानी में से कुछ गुजर रहा है या हवा में से हम चल रहे हैं तो ये वो भी हमारे ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप हवा आपके ऑपोजिट चल रही है और आप चल रहे हो तो आपको एक बहुत फोर्सफुली चलना पड़ता है, ठीक है। द फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग, इसका सेकेंड नेम क्या है, ड्रैग। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रैग, तो द सेम डेफिनेशन इज फॉर इट ऑल्सो, द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू फ्लूइड हैव टू ओवरकम दिस ड्रैग, जो फ्लूइड्स में से मूव करेंगे उनको इस फ्रिक्शनल फोर्स को कवर करना पड़ेगा तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। टू मिनिमाइज दिस फ्लूइड फ्रिक्शन and to save energy, aeroplanes, ships, boats and cars are designed to have streamlined shape. This minimizes friction and saves lot of fuel. वो क्या कह रहा है, streamline मतलब आगे से वो कम space लेते हैं और पीछे फिर बीच में ज़्यादा फिर last में कम, क्यों, ताकि जो contact area है वो decrease हो जाए। जितना contact area decrease होगा, वो हमने rolling friction में भी पढ़ा कि जितना contact area decrease होगा उतना कम friction force होगा, है ना। तो वो उनको ऐसी shape में बनाते हैं जिससे frictional force को कम किया जा सके और आपकी energy बचाई जा सके movement में जो लगती है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।